तो मैंने मांजा अनरैप भी कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हल्के से बल खुले भी हैं डोर के, बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा शार्प डोरें होती हैं इनकी इदरीस भाई की। और 926 मैंने इसलिए ओपन नहीं किया कि 926 है जो दोस्तों ये ब्लैक कलर का था, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया। बाकी इसकी जो खासियत है वो सब आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। कलर देखिए कितने शानदार हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सारे कलर लगे ये सारे 8400 आर्टिकल के ऊपर हैं, जिसमें मैंने कुछ चरखे ओपन करे जिसमें से आपको शायद 5 कलर देखने को मिल रहे हैं। रेड आ गया, एक ग्रीन आ गया डार्क का ही टाइप का है ये, एक ऑरेंज आएगा और एक ये डार्क प्याजी थोड़ा सा कॉपर टाइप का है, और एक आ जाएगा ये पिंक। ये मैंने 5 चरखे ओपन किए हैं जो कि 8400 आर्टिकल के ऊपर हैं। एक दो चरखे का मैं रिव्यू करूँगा, मांझे ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ही होंगे। एंड अब बात करते हैं 123 की। 123 में आपको बेसिक इनका जो ब्लैक पैंथर आता है, ब्लैक पैंथर से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ब्लैक पैंथर मैंने ब्लैक पे ओपन किया है, और इसके ऊपर आता है इनका जो मैदानी, मैदानी में आपको ग्रीन एंड एक आपको ये ग्रे मिल जाएगा। दोनों ही बहुत यूनिक मांझे हैं, और मांझे जितने बने हैं ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि सारे डबल कोट के जो मांझे आते हैं उस टाइप की मेकिंग इसमें नज़र आ रही है। देखिए आप, जैसे लग रहा है कि डबल कोट के मांझे हैं ये। ये देखिए, ये इस तरह की मेहनत आपको सारे मांझों में देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको ये मैदानी में देखने को मिल रही है। आप देखिए ये ग्रीन वाला है, ये भी मैदानी है, और इसमें भी कुछ इसी तरह की मेहनत आपको देखने को मिल रही है। मांझा एकदम वायर के जैसा होगा, टेंपर बहुत अच्छा होगा मांझे में। और एक इनका और ये आता है यूसुफ़ अहमद। यूसुफ़ अहमद में मैंने ऑरेंज ओपन किया, इसमें एक आध कलर आपको और मिल जाएंगे, और देखिए इसमें भी उसी तरह की मेहनत आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखिए, ये हो गया यूसुफ अहमद। और ये देखिए दोस्तों, आईटी तो दोस्तों ऐसा बना हुआ है कि बिल्कुल एकदम कौड़ी फटा हुआ मांझा जैसा होता है, उस तरह का मांझा बना। ये देखिए यूसुफ अहमद में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डबल कोड का मांझा। ये देखिए, बहुत शानदार, बहुत जानदार मांझा बना के भेजा इन्होंने। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी, मैं शाविज अली। दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार मेकर के मैं मांझे आप सबके लिए लेकर आया हूँ, और यकीनन आज का जो वीडियो है दोस्तों वो आप सबके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। काफ़ी डिटेल में आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें आपको मांझों के कलर देखने को मिलेंगे। और आज के मांझे कुछ ऐसे हैं कि जब इसके कलर आप देखेंगे आपको लगेगा कि होली है, शायद होली का एहसास आपको होने वाला है, क्योंकि जैसे होली में रंग बिरंगे कलर आपको हर तरफ फैले बिखरे मिलते हैं, इसी तरह से आज हमारी शॉप पे आपको रंग बिरंगे मांझे देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इदरीस अहमद की। इदरीस अहमद के कुछ ब्लॉक आज मेरे पास आए हैं, उनका 926 हो गया, चाहे आईटी हो गया, चाहे उनका मैदानी हो या ब्लैक पैंथर हो। ग्लाइडेटर आया है 8400 आर्टिकल के ऊपर, यूसुफ अहमद आया है। यूसुफ अहमद उनका एक ब्लॉक यूसुफ अहमद जो आता है वो भी आया, और यूसुफ अहमद टाइगर नंबर 1 भी उनका ब्लॉक आया है। बहुत ही रेयर ब्लॉक है, बहुत अच्छा और बहुत शानदार रिजल्ट है इसके। मांझे के मांझा बहुत कामयाब मांझा है, इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और थोड़ा सा रेयर मिलता नहीं है जल्दी से। और जैसे कि इदरीस अहमद का जो आता है 926 दोस्तों, वो तो इतना ज़्यादा रेयर है कि लमसम ये मान के चलिए हर खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है कि 926 अपने बैग में रखने का। किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं भी होता, आपका हो सकता है अगर आप टाइम पे ऑर्डर करेंगे तो 926 भी आपको मिलेगा, हमारी शॉप पे हमेशा अवेलेबल होता है। 926 बहुत रेयर ब्लॉक है, बहुत कम बनता है, हफ्ते में 4-5 शायद चरखे बनते हैं, ज़्यादा बन नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कारीगर ही बनाता है 926। इदरीस भाई अपना जो मांझा है जैसे 926 है, उसका नाम बर्बाद खराब नहीं होना चाहते हैं, उसको नहीं चाहते हैं कि वो उसका नाम 926 का डूब जाए या खराब हो जाए। आजकल तो ऐसा है बरेली में, जिस मांझे की डिमांड आती है, बहुत सारे मेकरों की का टॉप ब्लॉक है, उसकी डिमांड आ रही, तो वो क्या करते हैं, जो उनके मेकर, उनके जो कारीगर नीचे के ब्लॉक बनाते हैं उनसे वो ऊपर के ब्लॉक सुतवाने लगते हैं। या इदरीस भाई का ऐसा नहीं है, इदरीस भाई का एक ही कारीगर जो है वो सिर्फ 926 सूतता है। यानी इसी यही वजह है कि हफ्ते में 5 या 6 चरखे इससे ज़्यादा बनते नहीं, 5 बन गया तो बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से शायद 4 ही बन पाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, फटाफट आपको दिखाते हैं किस तरह के मांझे इदरीस भाई ने बना के भेजे हैं। घूंघट को हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से ब्लॉक आए हैं। तो सबसे अच्छा मुझे ग्लाइडिएटर दिख रहा है, ये 8400 पे बल खुला और बहुत ही शार्प नज़र आ रहा है। और ग्लाइडिएटर में एक कलर मुझे ये दिख रहा है, ये है ब्लैक शायद, जी हाँ दोस्तों ये ब्लैक है। तो ये 8400 आर्टिकल के ऊपर ब्लैक ग्लाइडिएटर दिया इन्होंने, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसका रिव्यू भी करूँगा। 8400 में देखिए ग्लाइडिएटर, ये मंझा बहुत अच्छा होता है, इसके जो रिज़ल्ट होते हैं बहुत शानदार होते हैं, और इसमें जो धार होती है वो बहुत ही यूनिक धार देते हैं हमारे इदरीस भाई। आप देख पा रहे हैं ज़रा सा कट में ही मांझा समझ में आ रहा होगा आपको, काफ़ी शाइन कर रहा है ये मांझा। तो ये है ग्लाइडेटर जो कि 8400 पे आता है इनका। और ये देखिए 926 जो इदरीस भाई की पहचान एक तरह से, ये 926 के नाम से ये जो मांझा होता है दोस्तों, ये बहुत ही रेयर मांझा होता है बरेली में। अगर कोई ब्रांड है तो दोस्तों उनमें से ये एक मांझा है, 926 जिसे बोलते हैं। और ये मांझा आज भी ख़ास है, इसको आम नहीं बनने दिया हमारे इदरीस भाई ने, क्योंकि दोस्तों इस मांझे की बहुत ज़्यादा डिमांड है,
पर उतना वो बनाते नहीं। चाहे तो सारे कारीगरों से ये ब्लॉक लगवा सकते हैं, पर जो उनके पास एक कारीगर है वो सिर्फ एक ही चरखा डेली बनाता है, यानी कि हफ्ते में 5 से 6 चरखे ज़्यादा से ज़्यादा ये बनते हैं पर डे एक, और यही हिसाब है आईटी का। आईटी शायद पर डे 2 बनते हैं। और इदरीस अहमद का ये जो आता है ब्लैक पैंथर, आपको ये भी मिल जाएगा, ब्लैक कलर पे है। और ये है इनका जो मैदानी आता है, इदरीस अहमद का एक ब्लॉक आता है मैदानी के नाम से, ये मैदानी है दोस्तों। इसमें आपको बहुत ही यूनिक कलर मिल रहा है, सुरमई कलर, ये देख सकते हैं आप, ग्रे कलर जो होता है सुरमई कलर, वो मिल रहा है मैदानी में। मैदानी में और भी कलर हैं, और दूसरा है ये देखिए ग्रीन, डार्क ग्रीन और पाकिस्तानी ग्रीन। तो एक आपको ये मिल रहा है यूसुफ अहमद टाइगर नंबर वन टाइगर जो उनका आता है यूसुफ अहमद का, वो आया देखिए, नंबर वन टाइगर यूसुफ अहमद, बहुत ही चर्चित मांझा है। मांझे का रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मांझा है, काफ़ी रेयर है, डिमांडिंग मांझा है। एक आपको इसमें और मिल जाएगा, ये देखिए प्याजी कलर है, तो ये प्याजी कलर देखिए आपको झाँक रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिख रहा है, ये प्याजी कलर पे भी मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा मांझा होता है। तो मैंने मांझा अनरैप भी कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कलर देखिए कितने शानदार हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो सारे कलर लगे हैं, ये सारे 8400 आर्टिकल के ऊपर हैं, जिसमें मैंने कुछ चरखे ओपन करे हैं, जिसमें से आपको शायद 5 कलर देखने को मिल रहे हैं। रेड आ गया, एक ग्रीन आ गया डार्क का ही टाइप का है ये, एक ऑरेंज आएगा और एक ये डार्क प्याजी थोड़ा सा कॉपर टाइप का है, और एक आ जाएगा ये पिंक। ये मैंने 5 चरखे ओपन किए हैं जो कि 8400 आर्टिकल के ऊपर हैं। एक दो चरखे का मैं रिव्यू करूँगा, मान लीजिए ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ही होंगे। एंड अब बात करते हैं 1-2-3 की। 1-2-3 में आपको बेसिक इनका जो ब्लैक पैंथर आता है, ब्लैक पैंथर से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ब्लैक पैंथर मैंने ब्लैक पे ओपन किया है, और इसके ऊपर आता है इनका जो मैदानी, मैदानी में आपको ग्रीन एंड एक आपको ये ग्रे मिल जाएगा। दोनों ही बहुत यूनिक मांझे हैं, और मांझे जितने बने हैं ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि सारे डबल कोट के जो मांझे आते हैं उस टाइप की मेकिंग इसमें नज़र आ रही है। देखिए आप, जैसे लग रहा है कि डबल कोट के मांझे हैं ये, ये देखिए, ये इस तरह की मेहनत आपको सारे मांझों में देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको ये मैदानी में देखने को मिल रही है। आप देखिए ये ग्रीन वाला है, ये भी मैदानी है, और इसमें भी कुछ इसी तरह की मेहनत आपको देखने को मिल रही है। मांझा एकदम वायर के जैसा होगा, टेंपर बहुत अच्छा होगा मांझे में। और एक इनका और ये आता है यूसुफ अहमद, यूसुफ अहमद में मैंने ऑरेंज ओपन किया, इसमें एक आध कलर आपको और मिल जाएंगे, और देखिए इसमें भी उसी तरह की मेहनत आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखिए, ये हो गया यूसुफ अहमद। और ये देखिए दोस्तों, आईटी तो दोस्तों ऐसा बना हुआ है कि बिल्कुल एकदम कौड़ी फटा हुआ मांझा जैसा होता है, उस तरह का मांझा बना, ये देखिए यूसुफ अहमद में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डबल कोट का मांझा। ये देखिए बहुत जानदार मांझा बना के भेजा इन्होंने, और भी कलर मिल जाएंगे आपको। एक चरखा मैंने आईटी पे ओपन किया है, ये बिल्कुल रग फटी डोर है ये। और बात करें यूसुफ अहमद की, जो इनका नंबर वन टाइगर आता है, ये वाकई में दोस्तों मांझा एकदम नंबर वन टाइगर ही हो रहा है। थोड़ी सी हल्की सी ये डोर चढ़े टाइप की है, और हल्के से बलखुले भी हैं डोर के, बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा शार्प डोरें होती हैं इनकी इदरीस भाई की। और 9-6 मैंने इसलिए ओपन नहीं किया कि 9-6 है जो दोस्तों ये ब्लैक कलर का था, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया। बाकी इसकी जो खासियत है वो सब आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, इस वजह से 9-6 का रिव्यू क्या ही करूं दोस्तों। ये तो अपने में एक अलग ही डोर होती है 9-6। तो ये कुछ मांझे हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रिव्यू मांझों का, और आपको दिखाते हैं किस तरह के मांझे आज इन्होंने लगा के भेजे। तो मैं सबसे पहले दिखाऊँगा आपको इदरीस अहमद का ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर मैंने ओपन किया है, और ब्लैक पैंथर को आप देख सकते हो मांझा बिल्कुल वायर के जैसा ही है, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ वायर के जैसा मांझा। सबसे पहले कांटा बहुत अच्छा है, तेज़ है कांटा। जमाव की बात करें और स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें भी मिल रही है, जबकि इनका ये बेसिक ब्लॉक है। और जमाव देखिए, जहाँ पर मैंने ठुनका है वहाँ पर ज़रा सा भी जमाव कम नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने इसको यहाँ पर ठुनका है, अच्छा जमाव है, बढ़िया मांझा है। कांटा बहुत अच्छा दिया। ये जो इनका ब्लॉक है इदरीस अहमद का ब्लैक पैंथर, ये आपको बता दूं कि ये 1-2-3 पर ही है। 1-2-3 में इस रेट पे जो डोरे आजकल आ रही हैं, आप यकीन मानिए कि बेसिक ब्लॉक है इनका, मगर जैसे कि छोटे मोटे मेकर होते हैं उनका ये टॉप मान लीजिए, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मांझे की। मांझे में जमाव अच्छा है, कांटा अच्छा है, हर तरह से लड़ा जाता है मांझा इनका। जबकि ये बेसिक है फिर भी ये फंसा के लड़ जाता है, मतलब ये नहीं कि बेसिक ब्लॉक है तो उसमें कोई मटेरियल की कमी होगी या कारीगरी की कमी होगी, फंस के नहीं लड़ेगा, फंस के भी लड़ जाता है। और दो टुकड़ों में इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको कि अगर आप खींच के लड़ाते हैं, यानी कि दो टुकड़ों का पेज लड़ाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप देखिए दोस्तों फंसा के भी लड़ाते हैं, ज़्यादा फंसा के लड़ाते हैं, तो फिर इनका आप आईटी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि आईटी जो है वो फंसाने में महारत हासिल करे हुए। तो हालांकि ये सारे इनके ब्लॉक फंस के लड़ जाते हैं, कोई भी ब्लॉक इनका हो फंस के लड़ जाता है। उसके ऊपर इनका आता है दोस्तों ये मैदानी जो है, थोड़ा सा इसमें उससे थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी।
और ये भी मांझा इनके जितने भी होते हैं सब में भरभरा कांटा किसी में नहीं होता है, सब में एक चुकता हुआ कांटा होता है जो कि थोड़ा सा तेज होता है। तेज कांटा इसलिए होता है दोस्तों कि खींच के आजकल हर खिलाड़ी लगाना पसंद करता है, और इनकी कोई भी डोर अगर आप लेंगे वो खींच में बहुत अच्छी होगी, और कांटा इस तरह का इनका उभरा हुआ नहीं होता, बहुत मोटा कांटा नहीं होता कि तभी डोर फंसे तो कट जाए एकदम भूसे की तरह। तो इनकी कोई भी डोर दोस्तों भूसे की तरह नहीं कटने वाली, आप बेसिक भी लेंगे तब भी भूसे की तरह नहीं कटेगा। बाकी सारी की सारी डोरें इनकी बहुत अच्छी होती, कलर बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप देख सकते हैं कितना शानदार कलर है, ग्रीन कलर है ये, और थोड़ा सा पाकिस्तानी जो ग्रीन होता है डार्क, वो बहुत अच्छा है। देखिए मंजा, देखिए एकदम वायर, एकदम वायर के जैसा मंजा बना हुआ है। तो कोई भी ब्लॉक इनका लेंगे सारे के सारे मांझे इनके सेम ही होते हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो रेट होता है उसके हिसाब से मांझे की जो प्रिपरेशन होती है उसमें थोड़ा थोड़ा रद्दो बदल ये करते रहते हैं, इस हिसाब से मांझे ये तैयार करवाते हैं। ये मांझा तो दोस्तों अमेजिंग ही होता है, क्योंकि ये जो कलर है ये कलर ही मांझों की दुनिया में अमेजिंग बोला गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी तक जो दो मैंने दिखाए थे ये उन दोनों से ज़्यादा तेज़ है, और इसमें भी कांटा लमसम वैसा ही है, बराबर का कांटा है, हल्की सी गोल्ड डोर है और महीन डोर है, महीन बहुत महीन नहीं, मतलब जैसे कि एक मीडियम पैटर्न की डोर है, सारी की सारी ज़्यादातर मीडियम पैटर्न की डोर है, बहुत बारीक कोई नहीं है। और ये भी डोर हर तरह से लड़ेगी, फंसा के लड़ाइए चाहे खींच के लड़ाइए दोनों में चल जाएगी, और खींच के इसका प्लस पॉइंट रहेगा, माइनस पॉइंट शायद फंस के माइनस में जा सकती है, पर खींच के अगर लड़ाना पसंद करते हैं दो टुकड़ों के पेज पसंद करते हैं तो 101% रिजल्टेड डोर है, आपको रिजल्ट बहुत ही उमदा मिलने वाले हैं। तो ये भी इनका मैदानी ही है, मैदानी में मैंने आपको दो कलर दिखाए, दोनों ही यूनिक कलर दिखाए, एक मैंने आपको पाकिस्तानी ग्रीन दिखाया और दूसरा मैंने जो आपको दिखाया वो दिखाया है ग्रे कलर, यानी कि सुरमई कलर। सुरमई कलर ज़्यादातर खिलाड़ियों का फेवरेट होता है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों का कहना यह है कि ये डोर सुरमई कलर की काफ़ी मेहनत मांगती है। अब बात करें यूसुफ अहमद की, जो यूसुफ अहमद आता है इनका, एक यूसुफ अहमद आता है, यूसुफ अहमद एक आता टाइगर नंबर वन, तो ये यूसुफ अहमद है नॉर्मल वाला, टाइगर नंबर वन नहीं है। ये डोर भी बहुत अच्छी ही है और काफ़ी तेज़ है, ये भी, ये थोड़ी सी लदी भी, अभी जो मैंने आपको दो दिखाई थी वो मीडियम पैटर्न की थी, ये थोड़ी सी चढ़ी भी है, यानी कि जो लदी भी डोर लोग पसंद करते हैं, हल्का सा माल चढ़ी भी डोर, तेज़ कांटे की पसंद करते हैं, ये डोर वो है, और एकदम एक जैसा कांटा इनका, कांटा जितना भी आप लेंगे कोई भी चरखा लेंगे सब में कांटा एक जैसा होगा, कहीं पे कम ज़्यादा मोटा पतला महीन वो चीज़ इनके मांझों में नहीं होती, ये एक अच्छे मेकर की पहचान है दोस्तों। बाखूबी काम करवाना जानते हैं, अड्डे पर बैठ के काम करवाते हैं, मैं जब भी गया आज तक मैंने इनको कभी अड्डे के अलावा कहीं देखा ही नहीं, मैं बरेली अक्सर जाता रहता हूँ, मैं कभी दिलीप भाई को फ़ोन भी नहीं करता हूँ कि दिलीप भाई कहाँ है, क्योंकि इनकी टाइमिंग है, टाइम के बहुत पंक्चुअल इंसान है ये, इनकी जो टाइमिंग है अड्डे की जो टाइमिंग है वो सिर्फ नमाज के टाइम भी ये अड्डे से हटते हैं, बस नमाज अदा करते हैं उसके बाद फिर अपनी कुर्सी पकड़ लेते हैं, काम में कोई भी चूक इनके नहीं होती है, बहुत अच्छे से काम को अपने ये अंजाम देते हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, और यही वजह है कि ये इतने टाइम से सक्सेस हैं, अपनी इनका जो सक्सेस का राज है वो यही, उतार चढ़ाव तो देखिए हर काम में आता जाता रहता है, कभी दौर ऊपर कभी दौर नीचे, ऊपर नीचे होना लाजमी है, लेकिन आज के दौर में बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं और बहुत पुराने मेकर हैं इदरीस भाई हमारे, उनका ये ब्लॉग है यूसुफ अहमद वाला, बहुत ही शानदार, थोड़ा सा लदा हुआ मांझा है ये, चढ़ा हुआ मांझा। इसके बाद बात करेंगे आईटी, ये हर खिलाड़ी का एक चहिता ब्लॉक होता है, ये मिड रेंज का एक ब्लॉक होता है, और ये ब्लॉक जो ऐसा होता है कि दोस्तों ये चाहे आप जैसे लड़ाइए ये दोनों में ही परफेक्ट रिजल्ट देता है, आप फंसा के लड़ाएंगे तो परफेक्ट रिजल्ट देगा और खींच के लड़ाएंगे तो भी परफेक्ट रिजल्ट ही आपको इससे मिलने वाले हैं। इसकी खासियत इस मांझे की आईटी की दोस्तों यही होती है, जहां पर आपने खींचा वहां पे काम पूरा करेगा, जब आप फंसाएंगे तो भी पूरा काम करेगा, जो रिजल्ट है दोस्तों वो दोनों में ही आपको इक्वल मिलने वाले हैं। मांझा बहुत अच्छा होता है, हर खिलाड़ी का फेवरेट होता है, और मैं बता दूं आपको ये जो मांझा है मुझे देख के लग रहा है कि शायद जैसे कि डबल कोड का मांझा होता है, इस बार शायद डबल कोड का मांझा लगवा दिया, मुझे बिल्कुल मतलब कहीं से भी थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा कि ये मांझा डबल कोड का नहीं है, और मैं इस बात को शायद इदरीस भाई से कंफर्म भी करने वाला हूँ कि शायद आईटी क्या उन्होंने डबल कोड पे लगवा दिया है क्या, क्योंकि काफी समय के बाद ये मांझा मेरे पास आया है तो मुझे इसके बारे में कंफर्म भी नहीं है, देखने में दोस्तों ये डबल कोड का लग रहा है, जैसे डबल कोड के मांझे होते हैं, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार मांझा, इसमें दो तीन कलर आपको मिल जाएंगे आईटी में, एक कलर मैंने ओपन किया जो कि सुरमई कलर है, बहुत शानदार मांझा, बहुत 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 शानदार मांझा। तो आईटी दोस्तों है, आप जैसे कि आप जानते हैं आईटी का मतलब क्या, आईटी मतलब इदरीस टाइगर, तो इनका जो इनकी जो फर्म है वो भी इसी नाम से रजिस्टर्ड आईटी के नाम से। अब बात करते हैं यूसुफ टाइगर नंबर वन की, ये अभी तक जितने भी मांझे मैंने खोले ये सबसे ज्यादा तेज है और थोड़ा सा चढ़ी भी डोर है और इसके रेट भी इन सबसे ज्यादा हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका कोई भी मांझा मैंने अभी तक छुआ हाथ में, तो जो 19 था वो लगा कि हाँ ये 19 है, और जो उससे 20 था वो 20 लगा, जो 21 था वो 21 लगा। बहुत सारे मेकर ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर नीचे के ब्लॉक तो बनाते हैं तो देखने में, लेकिन उनके सारे के सारे मांझे सेम ही लगते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि ये नीचे वाले को ही ऊपर के कपड़े पहना के और रेट बढ़ा के ले रहे हैं, मगर यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। इदरीस भाई का आप कोई भी मांझा छुएंगे 19 जो होगा वो 19 लगेगा, जो मांझा 21 होगा वो आपको 21 ही लगेगा, बहुत शानदार है,
कलर भी बहुत अच्छा है। मांझे में एक जैसा काटा है, थोड़ा सा तेज काटा है पर एक जैसा है। और ये मांझा हाथों पैरों से फंसा के ये जो मांझा दोस्तों ये हाथों पैरों से बहुत ही अच्छा लड़ेगा, इसमें कहीं पे चूक होने वाली नहीं, बिल्कुल एकदम चापड़ का जैसा मांझा है, बहुत तेज धार का मांझा है, धार एक ही जैसी मिलेगी, कहीं पे उतार चढ़ाव धार में आपको नहीं मिलेगा। और ये 926 है, इसका रिव्यू मैं करने वाला नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं, इसके बहुत सारे रिव्यू मैंने पहले भी कर रखे हैं और इस मांझे को रिव्यू की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो मांझा है इनका ये थोड़ा सा इससे सस्ता बैठेगा, जो अभी मैंने आपको दिस टाइगर नंबर वन दिखाया उससे शायद 100-200 रुपये शायद सस्ता होगा ये, लेकिन ये अपने में एक नाम है दोस्तों, ये पहचान का या किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। ग्लाइडेटर पर मैंने 4-5 कलर ओपन किए, आप देख सकते हैं, ये हो गया एक इनका चॉकलेटी कलर, एक चॉकलेटी हो गया, एक हो गया ये पिंक, एंड एक हो गया, एक ही आ गया आपके सामने ऑरेंज, ऑरेंज के बाद एक ही हो गया काही कलर, काही के बाद आ जाएगा रेड। और मुझे लगता है जहाँ तक कि सब मांझे इनके एक जैसे ही होंगे। ये जो ग्लाइडेटर है दोस्तों, इसके रिजल्ट मेरी शॉप पे सबसे ज़्यादा अमेजिंग हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो अभी तक की मेरी शॉप पे किसी मांझे से पतंगे काटी गई है, मतलब मेरे जो कस्टमर के जो रिव्यू है उनमें सबसे ऊपर अभी ये है। इसके बाद एक टेरिस चैंपियन आता है मेरा, टेरिस चैंपियन के और इसके दोनों के रिकॉर्ड मेरे पास सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड आ चुके हैं। पिछले बार ये 15 अगस्त पे हमने एक हमारे थे क्या नाम है दिल्ली के, उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद दीपक नाम है, क्या नाम, चाय का काम है उनका, उन्होंने जो रिकॉर्ड इसके बनाए थे 9 पतंग से शायद 182 पतंग, 8 या 9 पतंग से 7 पतंग से, सॉरी 7 पतंग से 182 पतंग का रिकॉर्ड है उनका। तो ये ग्लाइडेटर से था, और इससे थोड़ा सा जो रिकॉर्ड उनका कम था वो था टेरिस चैंपियन से। तो ये 8400 आर्टिकल है इसका। सबसे पहले तो आप स्ट्रेंथ देखिए, मैं आपको स्ट्रेंथ दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिएगा दोस्तों, गिटार और जमाव बहुत ही अच्छा, शानदार जमाव, मतलब इतना ठुनकने के बाद ना डोर टूटी और ना ही डोर में कहीं का कोई दाग आया। डोर पे एक दाग आ जाता है जब डोर को ठुनकते हैं, उसको बोलते हैं जमाव, जमाव की कमी होगी तो वहां से मसाला झड़ जाता है, मसाला नहीं झड़ेगा, बहुत ही गोल बहुत ही तेज डोर, मतलब 8400 में कुछ सोचना ही नहीं आपको, 8400 एक बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मर्जी आए लड़ाइए, खींच के लड़ाइए, फंसा के लड़ाइए। हालांकि चाइनीज डोर के लिए बहुत अच्छा है, चाइनीज के अगेंस्ट इसके रिजल्ट बहुत आपको अमेजिंग मिलने वाले हैं। कलर आप कोई भी ले लीजिए, जो भी आपका कलर पसंदीदा हो वो ले लीजिए, कलर इसके अलावा भी काफी सारे मिल जाएंगे। एक डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर इसका बनाऊंगा क्योंकि इतने सारे कलर ऑप्शन है कि एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। मांझा देख रहे हैं, वायर होता दोस्तों, एकदम वायर, ये देखिए स्प्रिंग के तार नहीं होता, स्प्रिंग तार लच्छे देखिए उसके, उस तरह से बेहतरीन और बहुत अच्छी जंपिंग है मांझे में, देखिए अच्छा जमाओ, अच्छा गेज, एक थोड़ा सा माल चढ़ा इस पर, बहुत बारीक डोर नहीं, हल्की सी माल चढ़ी, बहुत तेज काटे की डोर है, बेहतरीन रिजल्ट होंगे चाइनीज मांझे के अगेंस्ट, बहुत अच्छे, कोई भी मांझे इसके सामने जल्दी नहीं टिकने वाला। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो इसके सामने पांडा भी टिकना बहुत मुश्किल है, और खास करके ये बनाया गया पांडे के लिए, और चाइनीज मांझे के अगेंस्ट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसको बनाने का मतलब और मकसद सिर्फ ये है, छत के शौकीनों के लिए एक रामबाड़ मांझा है दोस्तों। कलर जो मर्जी आप ले लीजिए, ये थोड़ा सा देखिए एक कलर और है इसमें, अगर इसको ऐसे खोल दें देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे छल्ले बाहर आ जाएंगे, देख रहे हैं कैसे, ये देखिए वायर ऐसे उठा लीजिए, बहुत ज़्यादा चढ़ा तेज, और बारीक वाला तेज, भरभरा वाला तेज नहीं, बारीक वाला तेज, मतलब हाथ पे आप ऐसे रखेंगे मांझा तो लगेगा कि नहीं हाथ पे कोई ब्लेड रख लिया, आपकी उंगली में डोर धंसने लगेगी दोस्तों। ऐसी डोर कोई भी डोर इनकी लेंगे, इनकी डोर की खासियत यही होती है इस बाइक की, इदरीस बाइक की डोर बारीक में बहुत तेज होती है। इसके दो फायदे हैं, एक फायदा सबसे बड़ा ये, अगर बारीक में तेज होगी तो देखिए खींच के बिगड़ जाएगी, फंसा के बिगड़ जाएगी, और सबसे बड़ा जो इसका एक फायदा है वो जैसे कि आजकल टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इतने ज्यादा टेम्परेचर में अगर बारीक डोर होगी उसके चिटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर बहुत ज्यादा लदी हुई डोर है, बहुत माल चढ़ावा, तो वो डोर चटकती बहुत है, टूटती बहुत है। बारीक डोर अगर तेज है तो लड़ भी जाएगी, काम भी हाथ पैर से करेगी, दो टुकड़ों के पेट भी अच्छी लड़ेगी और चटकेगी नहीं दोस्तों। सबसे बड़ी सबसे खास बात यह कि डोर चटकेगी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत गर्मी में वीडियो मैं बना रहा हूँ, इतनी गर्मी में हमारे यहाँ कानपुर का टेम्परेचर तो आपको सबको पता है दोस्तों, कूलर पीछे खोलोगे तो सनसन सनसन की इतनी आवाज आती है, वॉइस ब्रेक होने लगती है, उसकी वजह से वीडियो सही से बन नहीं पाता। कूलर बंद करके मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, और दोस्तों कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए मैं ही जानता हूँ, और मेरे पीछे जो मेरे कैमरा मैन है, मेरे बेटे शोएब, तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान है, अपने कपड़े वपड़े उतार के वीडियो ये बना रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार झलक की, ये देखिए ये पीछे कैसे बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, इस मेहनत पे एक लाइक तो देखिए दोस्तों बनता ही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। अच्छी ब्रांड है, अच्छा कारीगर है, रीजनेबल प्राइस पे आपको मांझा मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में सारे प्राइस आपको मिल जाएंगे दोस्तों, कुछ प्राइस आपको ऊपर जो रिबिन है उसमें भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।